दोस्तों मैंने योनो SBI पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि योनो SBI में UPI ID कैसे बनाए। बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया था कि उनका UPI ID तो बन गया, लेकिन जब वो कोई सा भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करते हैं या कोई सा बिल पेमेंट करते हैं या किसी को पैसा भेजते हैं, तो उनका जो अकाउंट का 4 डिजिट है वो शो नहीं हो रहा है। जैसे कि जिस अकाउंट से पैसा कटेगा वो अकाउंट का 4 डिजिट शो होता है, वो शो नहीं हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे ये जो अकाउंट नंबर है ये बहुत से लोगों में शो नहीं हो रहा था। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इस अकाउंट पे पैसा भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो UPI ID है वो शो हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस अकाउंट से पैसा कटने वाला है वो अकाउंट शो हो रहा है। लेकिन बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि उनमें ये जो है शो नहीं कर रहा है, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसका जो हम आपको 2 सोल्यूशन बताने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वाले पे तो 50% चांस है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हो सकता है उससे अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो सेकंड जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ उससे 110% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे और इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला सोल्यूशन है उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना योनो का जो ऐप है वो ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हम अपना योनो का ऐप ओपन कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं आपको एमपिन का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एमपिन फिल कर लेना है। तो चलिए हम अपना एमपिन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना एमपिन फिल कर लिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एमपिन फिल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर में देख सकते हैं एक 3 डॉट का ऑप्शन है, सिंपली आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे से सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सर्विस एंड रिक्वेस्ट। आपको क्या करना है, सर्विस एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन बना हुआ है, आपको सिंपली सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैनेज ट्रांजैक्शन राइट का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे से सेकंड में मैनेज ट्रांजैक्शन ऐप का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, सेलेक्ट अकाउंट। तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का बटन आपको देखने को मिलेगा, आपको क्या करना है उस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकाउंट वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद नीचे में क्या है, ट्रांजैक्शन राइट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेंसिल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे टिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, मतलब कि आपने लॉगिन करते टाइम में एक पासवर्ड बनाया होगा। एक तो एमपिन होता ही है, वो लॉगिन करने के बाद बनता है एमपिन, और एक होता है इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड, जिसमें आपके नाम का लेटर होगा, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर जैसे कि @ होगा, और उसके बाद कुछ नंबर्स होगा। जैसे कि आपका नाम माना कि राहुल है, तो आपका RAHUL@, उसके बाद आपका कोई सा नंबर होगा, वैसा ही एक आपका पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे सबसे पहले फिल कर लेते हैं अपना। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना पासवर्ड जो है फिल कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में एक नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, और यहाँ पे आपको आपके अकाउंट का जो है 4 डिजिट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप इस आई वाले बटन पर क्लिक करिएगा, आपके अकाउंट का पूरा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन राइट, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन राइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। आपने जब भी लॉगिन किया होगा तो आपने गलती क्या किया होगा, अपने ट्रांजैक्शन राइट को लिमिट ट्रांजैक्शन राइट या व्यू ओनली राइट पे क्लिक करके रखा होगा। उसको आपको क्या करना है, फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक करके रखना है। जैसे अगर आपका लिमिट ट्रांजैक्शन राइट है, यहाँ पे देख सकते हैं इस लिमिट ट्रांजैक्शन राइट का ऑप्शन है, इस पे अगर आपका जो है ऑप्शन सेलेक्ट रहेगा तो आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं आई हैव रीड अंडरस्टैंड एंड एग्री टू अबाइड बाय टर्म एंड कंडीशन ऑफ SBI, इस पे आपको सिंपली क्लिक करके, और यहाँ पे कन्फर्म का जो ऑप्शन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। आपका जो प्रॉब्लम है वो 50% चांस है जो सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आपको चेक करना है। जैसे देख सकते हैं मेरा जो फुल ट्रांजैक्शन राइट पे पहले से ही है तो ये कन्फर्म वाला एक्टिवेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपका फुल ट्रांजैक्शन राइट पे पहले से नहीं होगा तो ये फुल ट्रांजैक्शन राइट पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म वाला ऑप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है जो आपका अकाउंट जो है वो शो हो रहा है या नहीं शो हो रहा है। अगर शो हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं शो हो रहा है
तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि इसका जो सेकेंड ऑप्शन है, मतलब इसका सेकेंड जो सोल्यूशन मैंने बताया है, वो आपका 110% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। क्योंकि इस पर मैंने कस्टमर केयर से बात किया, उनसे हेल्प लिया और उसके बाद मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो आपको चलिए हम सुनाते हैं जो हमने कस्टमर केयर से जो बात किया तो उन्होंने क्या बताया। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए एक और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। प्रिय ग्राहक, हमारे विशेष ग्राहक होने के लिए आपका धन्यवाद। अपने ATM कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। SBI योनो की जानकारी के लिए 1 दबाएं। इंटरनेट बैंकिंग संबंधी जानकारी के लिए 2 दबाएं। हम आपको अपने विशेष ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से जोड़ रहे हैं। SBI में आपका स्वागत है, मैं अरुण अभ्रुत, क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर, नमस्ते सर। सर, मेरा अकाउंट जो है SBI में है, और मतलब कि मैंने ATM की हेल्प से मतलब योनो ऐप में लॉग इन किया, बट जब मैं योनो से कोई सा ट्रांजेक्शन करता हूँ, मतलब किसी को पैसा भेजता हूँ या कोई सा बिल पे करता हूँ या रिचार्ज करता हूँ, तो मतलब जो ट्रांजेक्शन होते टाइम मेरा जिस अकाउंट से पैसा कटेगा उसका 4 लेटर शो होना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा है। मतलब अकाउंट शो नहीं हो रहा है, जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो अकाउंट शो नहीं करते? जी सर, मतलब जिस अकाउंट से हम पेमेंट करते हैं, जैसे मेरा अकाउंट है, तो मैं किसी को पैसा भेजता हूँ ना, तो वहाँ पे अकाउंट का 4 लेटर जो शो होता है ना, वो मेरे में शो नहीं हो रहा है। हाँ, समझ। जी सर, पेमेंट भी नहीं कर पाएंगे आप, तो वो राइट्स जो है ना, राइट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा सर। जी सर, मैंने उसमें किया, मेरा फुल ट्रांजेक्शन राइट होता है। जी जी सर, मैंने उसको भी ऑन किया, उसके बाद मैंने भेजा तो फिर भी नहीं हो रहा है। हाइड एंड हाइड चेक करना पड़ेगा। लाइन पे नहीं, मैं बता दे रहा हूँ सर। जी सर, तो वहाँ से नहीं हो रहा है। हाँ, बता दे रहा हूँ सर क्या करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए सर एक ही ऑप्शन है, वो है आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग मतलब मैंने योनो में लॉग इन तो किया है सर। यूजर आईडी पासवर्ड से लॉग इन करते हैं क्या आप? जी नहीं, मैंने अपने ATM से लॉग इन किया था, मतलब ATM की हेल्प से। मतलब एम पिन के द्वारा? जी सर, जी सर, जी सर। नहीं, वहाँ पे एक यूजर आईडी और पासवर्ड भी होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम आपका दूर हो पाएगा। मतलब आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करके वहाँ पे हाइड अनहाइड इसको करना पड़ेगा पहले सर। तो सर ये कहाँ से होगा? तो पहले आपको मैं आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है बता देता हूँ सर, ठीक है? जी सर। ATM कार्ड है ना सर आपके पास? यस सर, मेरे पास ATM कार्ड, पासबुक और वो कैश बुक होता है, वो सभी है। नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप चाहे तो इस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं सर, ठीक है? जी सर, जस्ट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आपको बस वो फॉलो करके जाना है सर। रजिस्ट्रेशन के लिए जो करना होगा, का ये सिंगल अकाउंट है या ज्वाइंट अकाउंट है? नहीं सर, मेरा ये सिंगल अकाउंट है। और ATM कार्ड है ना सर आपके पास? यस सर, ATM कार्ड है। तो आपको ऑनलाइन SBI जो वेबसाइट है उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ओपन करने के बाद वहाँ पे देखिएगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाके वहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा सारे डिटेल्स। तो एक OTP आएगा आपके पास अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। वो OTP देने के बाद आपको दो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि ATM कार्ड आपके पास है और आपके पास ATM कार्ड नहीं है। जैसे कि आपके पास ऑलरेडी ATM कार्ड है, तो वो सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोफाइल पासवर्ड जो है सर वो सेट करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट लॉगिन पे। तो उसके बाद हिंट क्वेश्चन आंसर जो है ड्रॉप डाउन से आएगा, उसको सिलेक्ट करके याद रखिएगा। वो कन्फर्मेशन आने के बाद मैसेज आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा और रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आएगा। इस माध्यम से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके बाद आपको जो करना होगा सर कि लॉगिन करना है ऑनलाइन SBI में। उसके बाद प्रोफाइल का एक टैब मिलेगा, उसके अंदर देखिएगा मैनेज अकाउंट डिस्प्ले करके एक ऑप्शन है। तो वहाँ पे जो प्रोफाइल पासवर्ड आपने बनाया, वो प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद एक सब टैब मिलेगा आपके हाइड अकाउंट्स और अनहाइड अकाउंट्स, ये दो ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट हाइड अकाउंट्स इज ऑटो सिलेक्टेड। सर यहाँ पे डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्टमेंट सब का ऑप्शन है, मैनेज अकाउंट। योनो पे, आप तो योनो पे जा रहे हैं सर? योनो पे नहीं, इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन SBI में। सर मतलब गूगल पे जाके करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो ब्राउजर से करना पड़ता है सर। जी सर, यहाँ पे वेबसाइट क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? ऑनलाइन SBI। जी सर, ऑनलाइन SBI, वहाँ पे फिर लॉग इन करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है, देखिए। जी सर, हाँ, यस सर, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, उस पे क्लिक कीजिए। जी सर, यहाँ पे तो दिखा रहा है जो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, अभी जो ये एक्टिव ही नहीं यहाँ पे बता रहा है लिंक।
तो फिर तो आपको ब्रांच पे जाना पड़ेगा सर। अच्छा सर, तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेस बता दीजिए, वैसे मैं ट्राई करके देखूंगा, दिन में शायद हो जाए। ओके फाइन, वही मैं बता रहा था सर। वहाँ पे लॉगिन करने के बाद एसबीआई ऑनलाइन पे जब लॉगिन हो गया आपका, ठीक है, तो वहाँ पे प्रोफाइल टैब में जाना है। प्रोफाइल टैब के अंदर मैनेज अकाउंट डिस्प्ले होगा। मैनेज अकाउंट डिस्प्ले वहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड दो तरह का होता है, एक लॉगिन पासवर्ड, एक प्रोफाइल पासवर्ड। मतलब कोई सर्विस रिक्वेस्ट को अंजाम देने के लिए प्रोफाइल पासवर्ड लगता है, ठीक है सर जी। जैसे कि फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड देना पड़ता है। तो वो प्रोफाइल पासवर्ड देने के बाद सबमिट कीजिएगा। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, हाइड अकाउंट्स एंड अनहाइड अकाउंट्स। ऑटोमेटिकली आपके वहाँ पे हाइड अकाउंट से शो करेगा। आपके उसके नीचे ही देखिएगा ऑप्शन है अनहाइड अकाउंट, तो उसको सिलेक्ट करके सबमिट करना है। वहाँ पे सक्सेसफुल एक कंफर्मेशन आएगा कि अकाउंट इज अनहाइड, तो उसके बाद आप वहाँ से मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं जी सर। तो उसके बाद कोई सा ट्रांजेक्शन करेंगे तो जैसे ट्रांजेक्शन अकाउंट जो दिखता है उसका चार लेटर वो दिखाई देगा ना। एग्जैक्टली, जिससे आप पैसा भेजना चाहते हैं वो ऑप्शन वहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हो जाएगा। जी सर, जैसे कि मैं अपने अकाउंट से पैसा भेजूंगा तो मेरे अकाउंट का चार लेटर वहाँ दिखेगा, ट्रांजेक्शन अकाउंट दिख जाएगा और उसको सिलेक्ट करके आप पैसा भेज सकते हैं तब। ओके सर, थैंक यू सर। और प्रोफाइल पासवर्ड भी क्रिएट करना पड़ता है, वो भी क्रिएट हो जाएगा जब आप इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। जी सर, मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे अलग से प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, यूनो वाला से? नहीं, जो क्रेडेंशियल होता है ना वो सबके लिए होता है। इंटरनेट बैंकिंग का जो क्रेडेंशियल बनेगा आपका, उससे आप लॉगिन भी कर पाएंगे सर, यूनो या यूनो लाइट बोलिए, इंटरनेट बैंकिंग में अक्रॉस द फॉर्मेट सब वही रहेगा सर। और नहीं तो आप ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं सर, ठीक है जी। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, एसबीआई संबंधित और किसी विषय में मैं आपको सहायता कर सकता हूँ सर? नो थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने कस्टमर केयर से जो भी बात की आप लोगों ने सुना ही होगा, आप लोगों को वैसा ही करना है, आपका प्रॉब्लम जो है 110% सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, हम इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे जो इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और इस वीडियो से हेल्प मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।